इस तरफ को सारे काउंटर्स होते हैं हर एक स्टेट। बस की पहचान कैसे लगती है? इस तरफ मोस्टली वॉल्वो ही खड़ी होती है। तो ये रोडू डिपो की है। वॉल्वो किसको बीट जाना है? ये मेरी वाली है। वॉल्वो का तो नाम भी हिमसुता। एक तो ड्राइवर भी है ना। Hey, what's up everyone? Welcome back again. Welcome to another video and to another vlog. मेरी शक्ल थोड़ी सी लाइक हो रही है खराब, बट कोई बात नहीं। गर्मी एक्चुअली दिल्ली में पता है ना आपको, दिल्ली का मौसम। तो व्लॉग्स पूरे कर चुका हूं, इसके बाद आपने काफी सारे व्लॉग्स और देख लिए होंगे। आई मीन पिछली वाली सीरीज खत्म हो गई होगी, तो पिछली वाली सीरीज देखी होगी, उसमें पता लगा होगा हम गाँव गए थे, फिर गाँव से फिर वापस आए। बात है ऐसी HRTC की जैसी, तो मैं एक बार फिर से जा रहा हूँ हिमाचल। 128 GB का कार्ड, दिस वन, इसको लेके जाऊंगा एंड दिस विल बी हेल्पफुल, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया काफी सारी चीजें, लाइक मेरे पास हार्ड डिस्क तो है नहीं एक्सटर्नल, लैपटॉप है तो कॉपी कहाँ करूंगा। तो दिस 128 GB विल लास्ट लॉन्ग फॉर अबाउट 3 days जिस हिसाब से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एंड आई गेस मुझे चार्जर भी चाहिए, अपना ट्राइपॉड स्टैंड, एंड मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। मैं अपना ट्रैवल बैग लेके जा रहा हूँ ये वाला। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बताने वाला हूँ, हाउ टू गो टू हिमाचल फ्रॉम दिल्ली इन HRTC बस फ्रॉम ISBT। एंड हाँ, बाय द वे मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई और नहीं जा रहा साथ में। पीछे के व्लॉग्स तो आपने देख लिया, अब जो अगली सीरीज इसके बाद, इस व्लॉग के बाद जो अगली सीरीज आने वाली है वो थोड़ा सा स्लो पेस पे आएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मैं कुछ स्टोरी टेलिंग एंड डिफरेंट वे में प्रेस करने की कोशिश करूंगा। यस, व्लॉग ऑफ कोर्स ऐसी होंगे, आगे भी जो वीडियोस आएंगे वो भी ऐसी होंगी, बट जो व्लॉगिंग है ऐसी रखेंगे मैं, क्योंकि मेरा वे ही है एक्सप्रेस करने का। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट, मूवमेंट खत्म नहीं करना चाहता कि मूवमेंट खत्म करके मैं सिर्फ एक बी गोल शॉट ले रहा हूँ या फिर एकदम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड शॉट ले रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई चूज पॉइंट एंड शूट कैमरा। इसीलिए मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ आगे वाली वीडियो में बताएंगे। सारा सामान सेटअप कर लेता हूँ। इस बार हिमाचल जाने का प्लान कुछ यूं है, मेरा एक और एग्जाम है, वो एग्जाम देने जा रहा हूँ। आई डोंट नो यार, एग्जाम ही देता रहता हूँ, फिर आकर एक और एग्जाम आ जाएगा एंड फिर उसके बाद दो और एग्जाम आ जाएंगे। क्या लाइफ, क्या बन रहा? 2 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं, लाइक यहाँ से जाऊँगा अपने मामा के घर एंड फिर उसके बाद वापस आ जाऊंगा एग्जाम देके। एंड बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पिछली बार एग्जाम दिया था, सेंटर ही वहीं पड़ा। इस व्लॉग का टाइटल और आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, शुरू करते हैं। अब आपको बताएंगे कि हिमाचल कैसे जाया जाए, वो भी HRTC में। एंड मैं हो गया हूँ रेडी, गर्मी बहुत है। अभी मैं जाऊँगा पहले मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन जाऊँगा राजीव चौक, राजीव चौक से स्विच करके ISBT कश्मीरी गेट, एंड फिर उसके बाद की जर्नी शुरू होती है HRTC में बैठने की। फिर बैठ के बताएंगे आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ISBT में कैसे चढ़ना है, कैसे बस पकड़नी है एंड हिमाचल कैसे जाते हैं। पूरा ये जो व्लॉग है थोड़ा इसमें मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है इसको एडजस्ट कर लेना। मैं बस एक्सप्लेन करूंगा वहाँ से बस कैसे लेनी है, वापस आना कैसे, जाना कैसे, आई विल एक्सप्लेन सम एवरीथिंग। तो मेरी जो बस है वो है 6:25 की, तो 6:25 की बस है तो मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। तो 2 घंटे पहले इसलिए क्योंकि मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी लूंगा एंड अब जो आगे आप क्लिप देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा एंड मैं बताते जाऊंगा कि कैसे जाया जाता है हिमाचल। अब आगे शुरू करते हैं, बताते हैं कि कैसे जाया जाता है। बोरियत लगती है अकेले जाने में, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ अकेले। अब सीधा ISBT मिलते हैं, क्योंकि मेट्रो में रिकॉर्डिंग नहीं करते। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. फाइनली कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन से हुआ घर एंड अब जर्नी शुरू होती है। ISBT तो पहुंच गया, लुक एट दिस। पहले चेक इन कर लेता हूं, उसके बाद आगे का दिखाता हूं। अब ISBT जब पहुँच जाते हैं, सो दिस इज द एंट्रेंस, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही है। भाई पहले मैं चेक इन करूंगा। मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा लेता हूँ। मेरी ऑनलाइन बुकिंग पहले हो जाती है एंड ऑनलाइन बुकिंग में मेरा बिल्कुल सेट होता है कि किस दिन जाना है एंड कौन सी बस लेनी है। वेल बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, उसमें आप खुद जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने कभी जाना हो तो एंड किसी डेस्टिनेशन में जाना, तो वहाँ बसेस की सारी टाइमिंग्स अवेलेबल होती है। अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं ISBT, जैसे भी जाना चाहें ISBT कश्मीरी गेट। तो ISBT कश्मीरी गेट पहुँचते ही सबसे पहले आपको करना होता है चेक इन, सामान वगैरह चेक होता है, फिर आप एंटर करते हैं ISBT में। तो पीछे की तरफ चेक इन कराने के बाद सबसे पहले राइट में आता है यहाँ पर रिसेप्शन, तो यहाँ पर जिसको भी अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो वहाँ से इंक्वायरी कर ले। बट यहाँ बात हो रही थी कि हिमाचल कैसे जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही जैसे ही हम चेक इन करते हैं उसके बाद लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ होते हैं टिकट काउंटर। अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते हैं तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि कौन सी बसेज अवेलेबल है एंड वो आपको बुक करके टिकट दे देंगे। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग काउंटर्स हैं, वहाँ जाके पता कर सकते हैं एंड कुछ शॉप्स मिल जाती हैं, कुछ खरीदना हो तो मत खरीदना, बहुत महंगी होती है। चेक इन करने के बाद थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, राइट में एक तो स्टॉल बुक्स पढ़नी है जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। तो अगर जिसने भी ऑनलाइन बुकिंग ना करा, मैं तो वैसे ऑनलाइन बुकिंग कराता हूँ, प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन करवाने का। पहले क्या करते थे, पहले हम यहाँ के टिकट लेते थे, 1-2 दिन पहले बुकिंग करानी होती थी, वरना तो एट अ टाइम करवा देते। अब ऑनलाइन का इतना सिस्टम नहीं, बट अगर वैसे ही अगर बुकिंग कराएं तो इस तरफ को सारे काउंटर्स होते हैं हर एक स्टेट के, जैसे वहाँ राजस्थान का है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वो हिमाचल प्रदेश। जिन्होंने अगर लाइक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा कि अगर काउंटर से नहीं था तो यहाँ से सीट, आजकल चांस कम होते हैं क्योंकि ऑनलाइन जब से हुआ ना तब से तो चांस ही कम है सच में। मेरी बस है 6:25 की एंड आई एम वे टू अर्ली, मैं 5:30 बजे आके बैठ गया हूँ। यू नो घर वाले सभी कैसे होते हैं, टिपिकल इंडियन। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद पूरा का पूरा जो ISBT है, जैसा कि आपको पहले बताया था ISBT की लुक्स, आई मीन अमेजिंग, सुपर कूल हो गया पहले से,
एकदम हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा लगता है। आप जो होंगे ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे, फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर से फिर नीचे वाले फ्लोर पे जाओ। देख भले ही मैं जल्दी पहुंच गया हूँ, जल्दी पहुंच गया तो कुछ बेनिफिट उठाना चाहिए। वैसे तो हम 5 मिनट पहले नीचे जाते हैं, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ तो मेरे को जल्दी चल जाना है। अभी तो दिखाऊंगा कि HRTC कौन कौन सी बसेज होती हैं, कैसे कैसे लगी होती हैं और किस जगह पर लगी होती हैं। वैसे कोई ISBT का टूर नहीं है, बट फिर भी B-roll मस्त है। अब क्योंकि हमें जाना है HRTC वाली साइड, हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यू नो, क्योंकि हमें जाना है HRTC की साइड में। वहाँ पे काफी सारे डिपो हैं, जैसे आप बाहर निकलोगे सामने होगा हरियाणा पंजाब का, लाइक बहुत सारी बसें हरियाणा पंजाब की लगेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में होगा HRTC का, तो वहाँ जाना है एंड आपको चेक करना है कि कौन सी वाली बस आपकी है। नीचे जाके पहले आप लोगों को दिखाऊंगा हिमाचल की बसेज जो है वो किस साइड को लगी होती है। ऊपर से नीचे आओगे ग्राउंड फ्लोर, बाहर निकलते हैं लेफ्ट मोड़ना है। लेफ्ट आता है, सीधे चलते जाओ, जितनी भी हिमाचल की बसेज होंगी ना वो यहीं मिलेंगी। HRTC की लाइन ही यही होती है, आज शोर का मैं तो बता ही देता हूँ, इन्फॉर्मेशन काफी सारी यही मिल जाएगी। अगर आपको पता नहीं लगता है कौन सी बस है तो आप कंडक्टर से पूछ सकते हैं, वही जो ब्राउन सी ड्रेस में होते हैं, जो कंडक्टर है वो आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। आराम से आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी वाली बस है। एंड बसेस के सामने कुछ काउंटर्स और लगे होते हैं, दोज आर द इमीडिएट काउंटर्स, वो HRTC के इमीडिएट काउंटर्स है। वहाँ पर कंडक्टर या फिर टिकट वाले वहीं पे मिलेंगे, तो वो भी टिकट बुकिंग वहीं होती है। ऊपर करवाओ नीचे करवाओ एक ही बात है, नीचे जो होता है एक तरह से होता है इमीडिएट, जो बसेज आ चुकी है फटाफट टिकट हो जाती है। एंड ये होते हैं वो कहते हैं तत्काल टिकट काउंटर, एक तरह से यहाँ पर एट प्रेजेंट जो भी सीट खाली होती है ना उसकी टिकट यहाँ बन जाती है। एंड मेरी तो अभी बस लगी नहीं होगी, तो मैं टूर ही करवा देता हूँ HRTC का पूरा इस तरफ, यहाँ से वहाँ पीछे तक, उधर तक सिर्फ HRTC लगती है। राइट में यहाँ पंजाब एंड हरियाणा, एंड इसके पीछे उस तरफ को जाके राजस्थान UP की बसें अलग था। मैं यहाँ ISBT का टूर क्यों करा रहा हूँ, तो ये बात ISBT के टूर करने की नहीं है। अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी जर्नी, अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तो जाने के लिए क्या प्रोसेस, सबसे पहले बुकिंग करवाई HRTC में। मैं जो बस लेने वाला हूँ वो है 6:25 PM, एंड फिर उसका रूट आपको बताऊंगा कि क्या रूट है, तो उस रूट के हिसाब से आप हमीरपुर जा सकते हैं। एंड क्योंकि ये बस जाती है एग्जैक्टली हमीरपुर तक, मैं हमीरपुर तक नहीं जाऊंगा, एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। ऑफकोर्स वो एग्जाम कल ही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट पढ़ा नहीं है तो क्या डरना। अभी तक कौन कौन सी बस लगे वो दिखाता हूँ, एक तो रोहू की और मनाली की, द प्लेसेस आई एडोर। एंड तो जैसे 1, 2, 3 एंड आगे तक सारी हिमाचल लगती है। इतना तो पता लग गया हिमाचल जाने के लिए किस तरफ को आना है। एंड अभी तीनों की तीनों बसेज अभी जो लगी है ना ऑर्डिनरी बसेज होती हैं वाली। एक फैक्ट और बताऊंगा, जब भी हिमाचल जाना हो तो बस की पहचान कैसे लगती है। वैसे तो बहुत हार्ड होता है याद रखना, ये जो कोड्स होते हैं इनके बम्पर पे अंदाजा लगाना कि कौन सी वाले डिपो की बस है। हमीरपुर का व्यू मैं दिखाऊंगा इसी में, मैं आपको बताऊंगा कि हमीरपुर का व्यू कैसा है। बट आगे हमीरपुर का व्यू दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ, काफी सारी डिफरेंट बसेज होती हैं, सेमी डीलक्स होती है, डीलक्स होती है, लो फ्लोर बसेज होती हैं, कंप्लीट AC, एंड दीज आर द ऑर्डिनरी वन। तो ऑर्डिनरी वन काफी टाइप की होती है, लाइक इंस्टाग्राम पेजेस हैं काफी सारे, वो फॉलो कर सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी बस होती है। आई लव आई एडोर हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेज, डिफरेंट बस होती है। मैंने चूज किया ऑर्डिनरी वाली, एंड यू कैन ट्रेवल इन ऑर्डिनरी, अगर आपको बंद बस में अगर घुटन होती है तो यू कैन चूज द ऑर्डिनरी वन। और सेमी डीलक्स भी ठीक है, उसमें विंडो ओपन हो सकती है, सेमी डीलक्स में सीट रिक्लाइनिंग होती है तो थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। हाँ तो भैया बात है ऐसी HRTC की, जैसे अभी मेरी वाली आएगी, मेरी वाली का टाइम होगा नहीं है, 6 बजे तक लगेगी एंड 6:25 तक निकल जाएगी। इसकी नेक्स्ट टाइम होती है ना बस के आने की, वो यहाँ लग जाती है, पहले यहाँ खड़ी हो जाती है, फिर जब यहाँ से कोई एक जाती है तो वहाँ उसकी जगह के ले लेती है, 10-15 मिनट इस तरफ रुकेंगे एंड फिर निकल लेंगे। तो यहाँ पूरी HRTC का ये वाला एंड ये एंड ये यहाँ वॉल्वो लगती है इसके आगे, इस तरफ मोस्टली वॉल्वो ही खड़ी होती है। दिस इज द डे, दिस इज ऑल अबाउट, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ एंड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाउ टू ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अभी एक ऐसा सीन हो गया था, पीछे यहाँ गार्ड है, वो गार्ड वाले कह रहे कि इधर की वीडियो नहीं बनानी, तुमको क्या पता जिसको पहचान में नहीं आता कि कहाँ जाना है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो होती है बोर्ड की, कि जो येलो कलर का बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है कि कौन से रूट की बस है एंड कहाँ को जा रही है। जैसे मेरी वाली बस आएगी तो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो दूसरा होता है बसेस को पहचानने का वो बम्पर होता है, बम्पर से पता लगता है वो कौन से डिपो की बस है। जैसे ये वाली है ना रोडू डिपो की बस, तो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे इसका कलर है रेड येलो रेड, तो ये रोडू डिपो की है। एंड ये वो वाली बस है जिसमें मैं पहले भी आया हूँ। ऐसे काफी सारे अलग अलग डिपो के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, इस दिन लगा मन करा तो वीडियो भी बना दूंगा। एंड मेरी बस लग चुकी है, क्योंकि हमें जाना है हमीरपुर साइड। वैसे भी आपको बता दिया, ऑनलाइन बुकिंग करा और मेरी वाली है।
दिल्ली चंडीगढ़ हमीरपुर भाई नंगल ऊना बंगाणा बड़सर बोटा। मैंने यहाँ बोटा तक की कटवाई है क्योंकि हमीरपुर है ना काफी दूर है बोटा से। एंड आई एम सॉरी मास्क में बोलना पड़ रहा है बट क्या करें यू नो कोविड प्रोटोकॉल। एंड हाँ मैं बंपर की बात कर रहा था तो ऑर्डिनरी बसेज होता है ना उसमें ऐसे पता लगता है जैसे ये रेड ग्रीन रेड। सो ये है हमीरपुर डिपो की ऐसे अलग अलग होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन है काफी सारे डिपो हर डिपो का ऑर्डिनरी बस का ऐसे कोड वर्ड है। दूर से पता लगाना हो ना कौन से डिपो की बस है या फिर कौन सी बस आ रही है तो ऐसे पता लगा सकते क्योंकि दूर से बोर्ड नहीं दिखता ना। एंड या दिस वॉज द शॉर्ट ट्रिक क्योंकि आपको पता होना चाहिए इजी रहता है यार वापस आने का भी बताएंगे जब मैं पेपर देने जाऊंगा हमीरपुर वाला बस स्टैंड भी दिखाऊंगा। आज का ब्लॉग तो खैर इसी लेता देखो मेरी बस को ज्यादा टाइम तो है नहीं 15 मिनट बाद निकल लेंगे यहाँ से। वैसे पीछे देखो दिस इज द वॉल्वो किसी को भीड़ जाना है तो इस वॉल्वो में जा सकता है डायरेक्ट सीधा पैराग्लाइडिंग करने। एंड मैं दो चार बसेज और दिखा देता हूँ तो ये है मारकंडा वाली एंड ये है धर्मशाला वाली इस पे धर्मशाला लिखा है। सेमी डिलक्स और जो वॉल्वो बसेज होती हैं उनमें है ना एक्चुअल में आपको बम्पर में कुछ नहीं मिलेगा उन पर बम्पर में कोई निशानी नहीं होगी क्योंकि ऑर्डिनरी बसेज सबसे ज्यादा घूमती हैं लोकली तो उन पे निशानी होती है कि बम्पर देख के पता लग जाता है। अच्छे पीछे लिखा होता है वैसे हमीरपुर डिपो एंड वैसे मैंने बता दिया रेड ग्रीन रेड। पुरानी वाली बसेज होती है ना अशोका लीलैंड और टाटा की उसमें तो बहुत सुपर कूल तरीके से दिखता था टाटा ने नहीं निकाली ना इसमें अलग ही सीन है। सो ये रही तीन एक ये लगी है ये मेरी वाली है ये इसका टाइम है 6:25 तो डेली 6:25 पे वाली निकलती है हमीरपुर डिपो के लिए इसको इसको जाना ये भी निकल जाएगी एंड ये भी ये रोडू वाली है। एंड आप सोच रहे होंगे इतनी देर होगी मैं अंदर तक बैठा क्यों नहीं अभी भाई बहुत गर्मी है कसम से लिटरली इतनी गर्मी है ना यहाँ। अब मैं कुछ पिक्स और क्लिक करूंगा मैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मैं वहाँ पिक्स डाल देता हूँ सोशल मीडिया पर पिक्स सबसे जल्दी जाती है। तो जैसे कि अभी एसपी की बसेस की पिक्स आ रही है अभी जितनी भी आपने देखी ये एंड ये रोडू ये जोगिंदर नगर और ये हमीरपुर अब बसेस तो मैंने दिखा दी अब जिसको जैसे जैसे आना है सारी बसेस इसी जगह मिलेंगी। बाकी फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की स्टोरीज में अपडेट कहाँ पर हूँ एट प्रेजेंट फेसबुक पेज भी फॉलो कर लेना। वॉल्वो का तो नाम भी हिमसुता होता है एंड ये मत पूछना हिमसुता क्या होता है यू नो व्हाट दैट मींस। अब मैं अंदर चलता हूँ बट गर्मी बहुत लग रही है मैं चलते टाइम ही बैठूंगा। ये मणिकरण वाली थी शायद मैंने पीछे मारंडा बोल दिया बाकी मणिकरण है जस्ट मैं स्लिप ऑफ टंग तो मणिकरण में जाने की जरूरत है। भुंतर भुंतर सबसे अच्छी जगह एक इन्फॉर्मेशन जो कि अपडेट है बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेटिव है तो वो ले लो। लोग रेड बस वगैरह करते हैं आई रिकमेंड रेड बस वगैरह से मत किया करो। HRTC मेरी नज़रों में तो इंडिया में सबसे टॉप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। हिमाचल आओगे तभी बस की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट है ना टूरिज्म पे ज़्यादा सपोर्ट करता है ट्रैवल के लिए बसेज इंपॉर्टेंट है तो बसेज पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस खर्च करता है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा जब भी हिमाचल आना हो ट्राई टू बुक फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जो ऑनलाइन साइट है वहाँ से बुकिंग करो क्योंकि एग्जैक्ट रूट होता है इनका एंड बाकी यार आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैं तो ये कहूँगा लोगों ने एग्जैक्टली देखना है कि रूट वाइज आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिपो पे रुक रहे हो जाकर कहाँ पर आपकी बस जा रही है कहाँ तक जाते हो कहाँ जाना चाहिए अगर आप एक सोलो एक्सप्लोरर हो तो। वरना तो यार अगर आपने कभी किसी एकदम क्या बोलते हैं टूर वाले झुंड के साथ जाना है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता मतलब ट्राई करना कि HRTC में जाओ एक तो ड्राइवर भी यू नो एक्सपीरियंस होते हैं। भैया बस तो चल चुके 6:25 हो रहे हैं बहुत गर्मी हाथ खराब अब बस चलेगी तो थोड़े से रात मिलेगी एंड HRTC पहुँचूंगा तो और ज़्यादा रात मिलेगी। तो भैया गर्मी में बहुत बुरा होता है ऐसा करा करो गर्मी में ना AC वाले में जाएगा तो बस चले तो हमने इतने ड्राइवर साहब ओके बाय बाय SBT। तो ये बात होगी दिल्ली से निकलेंगे अब दिल्ली से निकलोगे तो दिल्ली से ISBT साहब निकलोगे फिर पहुंचोगे आप अपने कहाँ मेरी पीठ से दूंगी यहाँ पर बट बात है ऐसी HRTC जैसी तो HRTC का ब्लॉग तो भैया आज ही एंड यही कर रहा हूँ कि अब कल सुबह मिलते हैं सीधा गांव में थोड़ा खाना खाने का ब्रेक लगा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भाई ये देख लो पता लग गया ना HRTC में ऐसे बैठते हैं एंड हमीरपुर जाना होगा फिर कहीं और भी जाना हो तो ऐसे ही जाते हैं तो कभी भी आओ तो HRTC में ऐसे ही बैठे एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड टॉक टू गाइस इन नेक्स्ट वन टिल देन।